नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश केंद्र सरकार और ईडी सीबीआई के खिलाफ फूट पड़ा है। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनफोर्समेंट डायरेक्टर का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी के नेत्री मनीषा तोमर का कहना है कि पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह को जेल भेजकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगला निशाना सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हें भी कभी भी जेल भेजा जा सकता है। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पुतले के ऊपर पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीबीआई और ईडी लिखे थे। इनके पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यदि संजय सिंह को नहीं छोड़ा गया तो आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में उग्र आंदोलन करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह भी डर है कि आगे जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजा जा सकता है। फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे आप के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। त्रिलोचन सिंह, मैं ग्वालियर जिला सचिव, आम आदमी पार्टी। आज किसका पुतला फूका? आज हमने तानाशाही सरकार का पुतला फूका। जो तानाशाह दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो अपने आप को चौकीदार बोलते थे, उन तानाशाहों का पुतला फूका। पुतला फूकने का कारण है जो हमारे ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता है, जो इस देश के अंदर एक मिसाल बन चुके हैं हमारे संजय सिंह जी, उनका जो आज गिरफ्तारी हुई, कल उनकी उनके विरोध में हमने पुतला फूका। वहाँ पर पुतला फूका कितनी संख्या में लोग? आज आप देख सकते हो यहाँ तकरीबन में 450-500 के आसपास हमारे। कहना है कि अगला नंबर केजरीवाल जी का गिरफ्तार नाम लिस्ट। हम तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक केजरीवाल जी अंदर जाएंगे, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल जी के पीछे खड़ा है। और आज एक संजय सिंह जी अंदर गए हैं, यहाँ आप कई संजय सिंह जी दिख रहे होंगे। एक केजरीवाल जी अंदर जाएंगे, हम तैयारी करके बैठे हैं। हमें मालूम है क्या होना है आगे, उसकी हमारी पार्टी पूरी तैयारी पे। कहाँ पर पुतला फूका है? आज हमने फूलबाग चौराहे पे पुतला फूका। देश में जो भ्रष्ट नेता है, देश को बर्बाद करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस प्रकार से वो सही लोग जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता हैं, जो वाकई में इस देश के लिए वो काम करते हैं, उनको लगातार गिरफ्तार करते जा रहे हैं। ईडी जब देखिए, हमेशा आम आदमी पार्टी के हर मंत्री को गिरफ्तार करती जा रही है। अभी हाल ही हमारे दो मंत्री ऑलरेडी जेल में थे, उन पे कोई चार्जेस प्रूफ नहीं हो रहे, उन पे कोई केस नहीं लग पा रहा, तो आपने तीसरा हमारा नेता वहाँ पर भेज दिया। और मुझे लगता है, एक्चुअली मुझे लगता क्या है, क्योंकि पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ है। पूरा माहौल इस देश में ऐसे, मतलब हिटलर टाइप के जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ है। उसको देखते हुए संजय सिंह जी का जो डर है मध्य प्रदेश में आने वाला समय, क्योंकि संजय सिंह जी यहाँ लगातार सभाएं लेने वाले थे, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी ने नया एक षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पुतला हमने प्रधानमंत्री जी का फूका है और हम देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं और उनके सारे चोरों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जैसे प्रधानमंत्री इस देश को जरूरत नहीं है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।